ये बड़ी अच्छी बात आपने की, और इसी कॉन्टेक्स्ट में आज पार्लियामान की खसूसी कमेटी का इजलास हुआ, कल भी होना है। ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, आप समझते हैं कि इससे इस पे इत्तफाक राय हो सकता है इस पार्लियामानी खसूसी कमेटी में या ब्रॉडर जो मीटिंग्स हो रही हैं? देखें, जब इतनी बुनियादी तब्दीली आप आइन के अंदर करने जा रहे हैं तो उसके लिए कंसेंसस क्रिएट करना और सब लोगों को हम ख्याल करना, वो दिनों का नहीं, वो हफ्तों का नहीं, वो महीनों का काम होता है। अब 18वीं तरमीम जिस तरीके से की गई थी उसी पर अगर आप नज़र डाल के देखें तो एक तो एक काम को किया जाए और इतनी जल्दी करने की कोशिश की जाए, और दूसरा जिस वक्त करने की कोशिश की जा रही है, आप लाख उसकी वजूहात बता दें लोगों के। इस वक्त आप पाकिस्तान में सड़क पे जाके किसी से पूछेंगे कि यार ये बताओ कि इस वक्त ये तरमीम क्यों हो रही है, वो कहेंगे जी काजी फैजी साहब 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं, उससे पहले ये की जा रही है। अगर इसका ताल्लुक नहीं है काजी फैजी साहब से जैसे हुकूमत कहती है तो भाई फिर 25 अक्टूबर के बाद इसको मुकम्मल कर। आज तो रजिस्ट्रार ने दे दिया ना नोटिफिकेशन के वो 25 को रिटायर हो रहे हैं, उनके आजाद में एक फुल कोर्ट तकरीब। अच्छा, अब अगर हमने उससे अलग कर लिया, ये बड़ी अच्छी बात है कि जी कम से कम वो वहाँ पे लोगों के सामने वाजे हो जाएगा, तो उसके बाद इसके ऊपर बहस मुबहसा होने दें, सिर्फ पार्लियामान के अंदर नहीं, जो लोग बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान की वकला बरादरी है, बाहर से ओपिनियन लिया जाए। और मैं किसी एक उसमें से हो सकता है किसी तरमीम की कोई एक चीज़ के मैं हक में हूँ, हो सकता है मैं किसी के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन मजमूई तौर पे अगर वो सही तरीके कार से लाई जाएगी, अगर वो एक नज़र आएगा कि एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, एक शफाफ तरीके से वाकई निज़ाम की बेहतरी के लिए की जा रही है तब्दीली, तो मेरे ख्याल में आवाम से सपोर्ट भी मिल जाएगी उसके लिए। माई लास्ट क्वेश्चन सर, ये आप अभी तो घर में हैं, क्या इरादे हैं, किसी और सियासी जमात में जाना है या खान साहब के बाहर आने का इंतजार करना है या पीटीआई के दोबारा राइज का इंतजार करना है, आप क्या सोचते हैं अपने मुस्तकबिल के बारे में? आप लीडिंग पॉलिटिशियन मेरा कोई इरादा नहीं है जी किसी पार्टी में। अभी वो पिछले हफ्ते किसी ने खबर भी लगा दी थी कि मैं कोई शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मुलाकात की और पार्टी ज्वाइन करने वाला हूँ। नहीं, मैं कोई सियासी नहीं पार्टी नहीं ज्वाइन करने वाला। सब जो है सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। जाहिर है तरीके इंसाफ जो है उसमें मैंने 11 साढ़े 11 साल लगाए हुए हैं, वहाँ पे लोग जो हैं उनके साथ एक जज्बाती रिश्ता भी है, तो हमदर्दी उनके साथ ज़्यादा है। लेकिन सारी पाकिस्तान की पार्टियाँ जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहती हैं, बशमूल शाहिद खाकान अब्बासी साहब के, बशमूल अलीम खान के, बशमूल बाकी जितने भी लोग हैं, सबको हम बेस्ट ऑफ लक कहेंगे।